वेलकम टू नेगीज किचन। आज मैं लाई हूँ एक न्यू रेसिपी, बनाना ब्रेड। चोको चिप्स का इस्तेमाल करके ब्रेड में हम बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट ब्रेड बना करके तैयार करेंगे। बिना ओवन के हम इस ब्रेड को बना करके तैयार करेंगे, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक कुकर को प्रीहीट कर लेते हैं। मीडियम हीट पे कुकर को गर्म कीजिए। इस तरीके का एक रिंग और प्लेट सेट कर दीजिए ताकि अच्छे से बेक हो सके ब्रेड। ढक्कन बंद कर दीजिए बिना गैसकेट के और विजिल ना लगे। 6-7 मिनट के लिए प्रीहीट कीजिए। इस ब्रेड को बनाना बहुत ही आसान है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। बनाना ब्रेड बनाने के लिए 2 पके हुए केलों का इस्तेमाल कीजिए। अगर केले थोड़े से बड़े रहें तो आप उसको 1.5 कर दीजिए। इसको अच्छे से इस तरीके से मैश कर देते हैं। अंडा ऐड करेंगे एक, अच्छे से इसको इसमें मिला देते हैं। बिना ओवन के आप बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। ये खाने में काफ़ी टेस्टी रहता है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। चीनी ऐड करेंगे 1/2 कप। आप पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिला देते हैं। तेल ऐड करेंगे 1/4 कप। तेल नहीं ऐड करना हो तो आप मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल इसमें सेम क्वांटिटी का यूज़ कर सकते हैं। वेनिला एसेंस ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच। अच्छे से इसको इसमें मिला देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिला दीजिए। मैदा ऐड करेंगे 3/4 कप। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच। नमक डालेंगे 1/4 चम्मच। दालचीनी का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच। दालचीनी का पाउडर ज़रूर से आप ऐड कीजिए, इससे बढ़िया सा फ्लेवर आएगा इसमें। और बनाना ब्रेड के लिए ये इंग्रेडिएंट काफ़ी ज़रूरी होता है, तो ज़रूर से इसको ऐड कर दीजिए। चाकू चिप ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच। आप अपने मन पसंदीदा अनुसार भी इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं चाकू चिप्स। बैटर तैयार करके हमने रख लिया है। अभी हम एक लोफ पैन को इस तरीके से तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर इसमें रख देते हैं ताकि जब ब्रेड अच्छे से बेक हो जाए तो आसानी से ब्रेड को हम निकाल सके। बना के जो हमने बैटर रखा था उस बैटर को हम पैन में ऐड कर देते हैं। चम्मच की मदद से अच्छे से इसको लेवल कर दीजिए और पैन को अच्छे से हल्का सा थोड़ा टैप कर दीजिए। ऊपर से थोड़े से और चोको चिप इसमें ऐड कर देंगे। चॉकलेट ऐड करने से बच्चे काफ़ी पसंद भी करते हैं। ब्रेड हमारा बेक करने के लिए तैयार है। कुकर हमारा प्री हीट होके तैयार हो चुका है, ये अच्छे से प्री हीट हो गया है। ब्रेड पैन को ध्यान से प्री हीटेड कुकर में रख दीजिए। रखते समय आप ध्यान दीजिए क्योंकि कुकर गर्म रहता है। अभी ढक्कन बंद कर देते हैं, गैसकेट ना लगाए और विजिल भी ना लगाए। 30 से 40 मिनट के लिए मध्यम आंच पे इसे बेक करने के लिए रख दीजिए। 30 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया बनाना ब्रेड बन करके तैयार हो चुका है चोको चिप्स के साथ में। एक टूथपिक का इस्तेमाल करके हम चेक करेंगे, एकदम क्लियर है, ये बन करके तैयार हो चुका है। डीमोल्ड करने से पहले अच्छे से ठंडा होने दीजिए ब्रेड को, फिर इस तरीके से साइड्स को अलग कर दीजिए। स्वादिष्ट बनाना ब्रेड बन करके तैयार हो चुका है। आप किसी भी शेप का मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस तरीके का रेक्टेंगल पैन था तो मैंने इसी तरीके से बनाया है। आपके पास जो अवेलेबल है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। ब्रेड बनाने के लिए आपको आटे को फुलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें ईस्ट का इस्तेमाल होता है। बिना ईस्ट के भी बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड इस तरीके से आप बना सकते हो। बिना चोको चिप के भी बनाना ब्रेड काफ़ी टेस्टी होता है, तो ज़रूर से इसको ट्राई कीजिए। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनाना ब्रेड बन करके तैयार हो चुका है। आप टी टाइम स्नैक्स में हो या फिर नाश्ते में आप इसे बना सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको आप दे सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तभी के लिए धन्यवाद।